Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते मेरठ भी भगवा रंग में रंग चुका है। विशेषता शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में नई सड़क को भगवा रंग से दुल्हन की तरह सजाया गया है। यूं तो दीपावली समेत अन्य अवसरों पर सेंट्रल मार्केट व नई सड़क को सजाया ही जाता है, लेकिन मौजूदा राम के रंग में सजी सजावट ने पिछले सभी आयोजनों को पीछे छोड़ दिया है। इसका एक बड़ा कारण यहां चल रहे व्यापार संगठनों का इस मुद्दे पर भगवा पताका के नीचे आना रहा। 22 जनवरी को इस सजावट में चार चांद लगाते हुए 1000 किलो फूल और लगा दिए जाएंगे। फर्स्ट बाइट.टीवी ने आज इस मार्केट की सजावट को अपने कैमरे में कैद किया। पहले देखिए भगवा रंग में रंगी राम में सजावट। इस दौरान भगवा रंग में रंगी अल्टीमेट रोबोट की 3 छात्राओं मिस्टी अग्रवाल, अनिका गुप्ता व सलोनी बेहद भावपूर्ण प्रस्तुति देती हुई नजर आई। देखिए बाजार की सजावट को लेकर फर्स्ट बाइट.टीवी ने व्यापार संघ के पदाधिकारियों से भी वार्ता की। देखिए वाधवा जी, सेंट्रल मार्केट को ऐतिहासिक रूप से भगवा रंग में सजाया गया है जी, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए ये ऐतिहासिक दिन देखने के लिए वर्षों से हम लोग इंतजार में थे और ऐसा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि हर वर्ष दिवाली हम 2 दिन मनाया करेंगे। हजारों वर्ष पूर्व वनवास के बाद राम जी आए थे, अब 100 साल बाद लड़ाई के बाद अब अपने निवास पर पहुंच रहे हैं। ये देश के लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है। तो पूरा देश इस पर्व को मना रहा है। तो सेंट्रल मार्केट में हमारी 2-3 व्यापार संघ की शाखाएं हैं। लगभग हमने 15 दिन पहले आपस में बैठ के मीटिंग करी तीनों अध्यक्षों ने कि बाजार को एक ऐसा रूप दिया जाए कि पूरा बाजार भगवा में भर जाए और एक मन में एक ऐसी शांति और सुख प्राप्ति हो कि उस 22 जनवरी का दिन, प्राण प्रतिष्ठा का दिन पूरे भगवा से लहरा जाए। सबने मीटिंग करके पूरे बाजार को नई सड़क से लेकर के सेक्टर 6 और 7 के चौराहे तक भगवा चुन्नी से इसको भर करके इसको पूरा सजावट कर दी गई है और फूलों की सजावट 1000 किलो हमने गेंदा के फूल मंगाए हैं जिससे कि पूरी सजावट की जाएगी। हमारे यहाँ बिजली के पोल, टेलीफोन पोल, इलेक्ट्रिक पोल, ये यूनिपोल सबको भगवा कर दिया गया है। हर दुकान पर 21 दिए भेजे जाएंगे जो कि 22 तारीख की शाम को 6:30 बजे सब दुकानों पे दिए जलाए जाएंगे और 23 तारीख को हमारे यहाँ काफी बड़ा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और 21 तारीख को हमारे यहाँ राम परिवार का दरबार लगेगा, उसमें कीर्तन का आयोजन किया गया है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे अयोध्या में होगा उसी तरीके से हमारे सेंट्रल मार्केट में प्रोग्राम किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पे एक त्यौहार की तरह से हम इसे मना रहे हैं और सेंट्रल मार्केट को पूरा भरपूर भगवा रंग से सजाया गया है। यहाँ पर जैसे दीपावली पर प्रकाश किया जाता है और दुकानों को पूरा सजाया जाता है, उसी तरह से सजाया जा रहा है। किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। ये बहुत सालों के इंतजार के बाद ऐसा पर्व आया है और हमारे अंदर से उल्लास है। प्रत्येक व्यापारी, हर व्यापारी अपने यहाँ पर अपनी इच्छा से ही उसे सजा रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं है। इतना बढ़िया सजाया गया मार्केट कि शायद आज तक हमने दीपावली पे भी नहीं सजाया था। भगवा रंग हो गया है, सबको इतना उल्लास अंदर से पैदा हो रहा है कि ये पता नहीं कितने 30 साल की मेहनत थी, 30-31 साल की मेहनत के बाद जिसका हम इंतजार कर रहे थे, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है कराने का, स्थापित करने का समय आया है। ये खुशी का पर्व है, इसे और अच्छे तरीके से मनाएंगे और 2-3 दिन का टाइम और है, इसमें हम और रंग लाएंगे। महामंत्री महिपाल सिंह जी, अभी हाल ही में एक बयान आया है कि 22 तारीख को मार्केट बंद रहेंगे और ये भी रहा है कि मार्केट खोले जा रहे हैं, तो सेंट्रल मार्केट ने इस बारे में क्या डिसीजन लिया है? हम सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि 22 तारीख को हम इस त्यौहार को बड़ी भव्यता के साथ में मनाएंगे। हम लोगों ने बाजार को भी बहुत सुंदरता से सजाया है, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया है कि भगवान जो है अपने स्थान पर आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोगों ने बाजार को भी पूरी भव्यता के साथ में सजाया गया है। और हम लोग बिल्कुल अपने आंतरिक दिल से इस लोग को सजाने में पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। और हम 23 तारीख को एक महाभंडारा कर रहे हैं बाजार में, बहुत सुंदर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार। केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है, रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।